चलू नहीं नहीं करना जो सारे अस छे सौ सौ पंजा रुपया लैंते हुए अस टैक्स भरा लिया सारे टैक्स पर एक बुढ़े राज करा रहे थे लेकिन मिगी दसो ओ कुछ गया सारा 520 जेड़े अजे मिनिमम बेसिस दे की गल करा रहे हां ए मिनिमम बेसिस दा फर्स्ट नंबर पे 2000 उन्नी की सानू मिलना चाहिदा ही जो ने ने परमानेंट की सेवन पे कमीशन दे पूरे हक हुक दित्ते और वे टेली में कुछ गया रहा अजे जो सारी रजिस्टर पॉलिसी की गल आ रही है या करे तो उन्नी की 6000 तू तो 10000 बारिया पता या कर लिया बस पे भिखारियां के ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੋ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਆਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਅਸਲੀ ਭਿਕਾਰੀ ਆ ਆ ਕਮਲ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਸੋ ਚਾਰਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਕਾਠੀਆਂ ਕੈਜ਼ੀ ਲਿਵੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पत्थर चुकन बंदूक चुकन अस भी परेश नहीं करके मरने तो मरने पर आई गए मारने तो मरने पर आई गए डू एंड डाई का सवाल है सारा फ्यूचर बर्बाद हो चुके हैं सारे बच्चे खत्म हो चुके हैं अस खत्म हो चुके हैं आप देख रहे हैं न्यूज़ सैटरडे और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हम गांधीनगर में हैं और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे डेली वेजर्स जो हैं ये यहां पे शमशेर सिंह मनहास जो कि बीजेपी से हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहां पे उनकी कोठी का यहां पे जो गवर्नमेंट कोठी जो उनको दी गई है यहां पे उनका घेराव किया गया है और ये सुबह से यहां पे 10 बजे से सुबह यहां बैठे हुए हैं और लगातार जो है नारे लगा रहे हैं और पिछले 37 दिनों से ये लोग डेली वेजर्स ऑल डिपार्टमेंट्स जो हैं सड़कों पर हैं और इनकी जायज़ मांगों को जो है अभी तक जो है पूरा नहीं किया गया है और लगातार इन लोगों की ये जो डिमांड्स हैं कि इनको रेगुलराइज पॉलिसी जो है वो दी जाए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं जो वेजेस हैं इनके वो दिए जाएं और अभी तक जो है इनको आश्वासन पे आश्वासन मिले हैं लेकिन अभी साफ तौर पे डेली वेजेस जितने भी ऑल डेली वेजेस डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो सब डेली वेजेस का यही मानना है कि हम अब आश्वासन से जो है काम नहीं बनेगा अब जो रिटर्न में इनको जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी और इनकी जो वेजेस पेंडिंग पड़ी हैं वो इनको जो है जब तक नहीं मिलती हैं तब तक ये सड़कों से नहीं उठेंगे और लगातार पिछले 37 दिनों से ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर जो हैं सड़कों पे हैं और सुनवाई के नाम पे सिर्फ आश्वासन इन लोगों को मिल रहा है और हम इन लोगों में से कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मुख्य मांगे हैं इनकी और ये जो स्ट्राइक है ये कब तक चलेगी। मैं रवि हंस मेंबर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। आज हमने राज्यसभा मेंबर श्री शमशेर सिंह मनहास जी के घर का घेराव किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी वाले जो है वे सो गए हैं। इन्होंने 2014 में हमारे साथ वादे किए थे डेली वेजर के साथ कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आपकी रेगुलाइजेशन होगी, लेकिन जैसे ही ये सरकार में आए कुर्सियों के ऊपर बैठे इनको कुर्सियों का नशा हो गया इसलिए ये डेली वेजर को भूल गए। इसलिए हमने इनको जगाने के लिए इनके घरों का घेराव शुरू किया है। हम इनको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में DDC के चुनाव होने वाले हैं और सबसे पहले अगर डेली वेजर के मसले हल नहीं होते दिवाली तक तो इनका DDC के चुनाव में बायकॉट किया जाएगा। जहां पर भी इनके कहीं मीटिंग होगी वहीं पे इनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, इनके खिलाफ लोगों को करके इनको हराया जाएगा। हम आज भी इनसे अपील करते हैं कि ये केंद्र में बात करें और डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं लाएं। अगर ये नहीं ऐसा होता तो आने वाले दिनों में जैसे ही सेक्टर जम्मू में आएगा पूरा 61,000 डेली वेजर सड़कों के ऊपर उतरेगा और अगर हमें है ट्रेनें भी रोकनी पड़ी, बसें रोकनी पड़ी, नेशनल हाईवे ब्लॉक करने पड़े वो भी करेंगे, लेकिन जब तक रेगुलेशन पॉलिसी सामने नहीं आती अब हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारी आखिरी लड़ाई जो है ये रेगुलाइजेशन के लिए है और रेगुलाइजेशन लेके ही वापस जाएंगे। जय हिंद भारत। अखिल शर्मा कैजुअल लेबर नीड विद PDD प्रेजिडेंट। हम ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज जो शमशेर सिंह मनहास जी का घिराव किया गया है यहाँ अपनी जो डिमांडें हैं वो मनवाने के लिए यहाँ किया गया है। पिछले 37 दिनों से ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर जो रोडों पे हैं सड़कों पे हैं आज मजबूरन इनको ये घिराव करने पड़ रहे हैं क्योंकि जब
25 एमएलए जिता के इन्होंने भेजे थे। उस टाइम बड़े वादे किए गए थे कि इनके जो मसले हैं जानूल मसले हैं ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन आज तक वो मसले हल नहीं हो रहे। हम ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो हमारे मसले हैं ये जो है ये जानूल थे, जैसे रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेज एक्ट, फिर उसके बाद आप पेंडिंग वेजेस, जैसे पीडीडी में 462/99 408 का मसला बना हुआ है, इस तरीके से 12 बोचर का इशू पीएचई में भी है, बाकी डिपार्टमेंटों में भी है। हम चाहते हैं कि ये सारे मसले जो हल हों, क्योंकि अब लड़ाई जो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक दो दिन के बाद, एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, गवर्नमेंट की होगी और बीजेपी के जो 25 एमएलए हैं, अगर हमारे मसले हल नहीं हो। नहीं, अभी तक वो बाहर नहीं निकले, लेकिन हम तब तक उठने वाले नहीं हैं जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उनकी कोठी का बैठे नहीं, हम उनकी कोठी का गिराव किया हुआ है, हमने उनकी जो है यहाँ पे उनका गिराव किया हुआ है, हम उनके गिराव पे हैं, और अगर वो हमारा मसला नहीं है तो हमें मजबूरन अगर अंदर भी जाना पड़ा तो हम अंदर भी घुसें।